दोस्तों, अगर आप लोग अपने बालों को विदाउट केमिकल बर्गंडी कलर और रेडिश कलर देना चाहते हैं अपने घर पर बिना सलून गए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर से जुड़ी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने घर पर नेचुरल तरीके से अपने बालों को बर्गंडी कलर और रेडिश कलर देने की रेमेडी बताऊंगी। तो मैंने एक बोल में फ्रेश हीना की लीफ ली है। इसको मैंने धोकर इसका पानी ड्राई कर लिया है, जिससे इसमें धूल मिट्टी ना रहे। उसके बाद एक दूसरे बोल में मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लेकर इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसको रात भर के लिए सोक करके रख दिया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग ये हमें कुछ इस तरह मिलेगा। उसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है टी वाटर। टी वाटर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर उसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसको उबलने देंगे। जब ये उबल जाएगा और पानी 1 ग्लास रह जाए तो इसे छानकर ठंडा कर लेंगे। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेकर इसमें सारी हीना लीफ डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें सोक की हुई फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना को भी डाल दिया है। उसके बाद इसी में मैंने 2 चम्मच भरकर कत्था पाउडर ऐड किया है। दोस्तों, अगर आपके पास कत्था पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप हिबिस्कस पाउडर यानी गुड़हल के फूल का पाउडर आता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों को काफ़ी अच्छा कलर देने में हेल्प करता है। कत्था पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसमें टी वाटर डाल दिया है, और अब हम इसका एक स्मूथ सा फाइन पेस्ट बनाएंगे। सो, हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। आपको इस पेस्ट को अपने बालों पर 2 से 3 घंटे के लिए लगा के रखना है, एंड उसके बाद शैम्पू से या नॉर्मल पानी से आप वॉश कर देंगे। दोस्तों, ये हीना पेस्ट आपके बालों को नेचुरल रेडिश कलर देने में आपकी काफी हेल्प करेगा, और साथ ही हमने इसमें जो मेथी दाना ऐड किया है वो आपके बालों की ग्रोथ भी काफी फास्ट करेगा। हीना और मेथी जब एक साथ मिलते हैं तो वो आपके बालों को लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और स्मूथ भी बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो 2 से 3 दिनों में आने वाली है। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।